क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए फिजिकल क्वांटिटीज में किसकी सेम डायमेंशन है, ठीक ना। ये हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इसमें चेक करना है कि किस ऑप्शन में दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन है हमें उनकी डायमेंशन सेम है, ठीक ना। अब चलो हम ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। ऑप्शन ए क्या है? पहला इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है एप्सिलॉन इनटू ई। यहां पे एप्सिलॉन परमिटिविटी है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना। तो परमिटिविटी की डायमेंशन क्या होगी? अगर आपको डायमेंशन याद नहीं होगा तो इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। हमारे पास फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2, ठीक ना। जब आप इसमें फोर्स की डायमेंशन रखोगे, Q1 Q2 की डायमेंशन, R की डायमेंशन रखोगे, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकल के आ जाएगी, ठीक ना। और वो डायमेंशन होगी हमारी M-1 L-3 T4 A2। रखना चाहो तो करके दिखा देता हूं मैं। यहां पे एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R2। तो 1/4 पाई की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो एफ की होगी सिर्फ ML T-2 और Q1 Q2 के लिए AT AT बाय L2। एम को ऊपर ले जाओ -1 L3, तो ऊपर जाके -3 -2 और +2 T4 और A2, ठीक। ये डायमेंशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। अब इसकी डायमेंशन अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? E इक्वल टू क्या होता है? F/Q। F कितना? ML T-2। ये 11th में बहुत रटे हुए होते हैं बच्चे लोग। ये हो गया AT। इसे उठाकर उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ये ML T-3 A-1। ML T-3 A-1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हो गई, ठीक। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। M M-1 +1 0, L-2 बच गया, T1 और A1 ये बच गया डायमेंशन मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये कितना आ गया? L-2 T1 T A। ये तो डायमेंशन होगी किसकी? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? Q/A, ठीक ना। ये तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की आ गई। Q/A, क्यू चार्ज, तो AT/एरिया L2। तो सिग्मा की डायमेंशन क्या आ गई? L-2 AT। गजब, ये तो यहीं पे बराबर आ गए। ऑप्शन ए। इसके आगे भी चेक कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्मूला तो पता ही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट करंट ID=εnot d∅/dt। फाई यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ईए, ठीक ना। और टाइम, इसकी डायमेंशन टी हो जाएगी। कहोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक ना। चलो छोड़ो, पहला ही ऑप्शन आ गया तो रहने दो। कहोगे तो सारे ही हो जाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन ए।